बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ आलू के चपली कबाब। तो आइए, इसके लिए मैंने ये दो आलू लिए हैं और अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। इस तरीके से हमने कद्दूकस करने हैं ये दोनों आलू। ये हमने बारीक मलमल का कपड़ा लिया है। आलू मैंने पहले ही धो के फिर हमने छीले थे, अब हमने कद्दूकस किया है। तो अब मैं इसमें मलमल के कपड़े में डाल के तो इसका पानी निकाल लूँगी। इस तरीके से ये देखें, इसका पानी हमने सारा अच्छे से निकाल लेना है और इसकी ये लुक आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से ये खुशक हो जाएंगे। फिर हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अच्छी व्यूअर्स, ये देखें आलू हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब हमने इसमें डालने हैं ये बाकी सारी मसाला जात। ये है बंद गोभी ली है मैंने थोड़ी सी, ये जाएगी इसमें। और ये चार सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और एक छोटी गाजर ली है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये है शिमला मिर्च, मैंने एक चौथाई शिमला मिर्च ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। और ये है प्याज, ये भी एक चौथाई प्याज है, ये डालेंगे इसमें। और ये है एक लेमन का जूस, ये डाला है इसमें हमने। ये है नमक मिर्च हल्दी जी व्यूअर्स, ये है एक टेबलस्पून भर के खुशक धनिया, हाफ टेबल स्पून है दड़ा मिर्च, हाफ टेबल स्पून है गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून है ये चाट मसाला, और हाफ टेबल स्पून है नमक, और ये है कसूरी मेथी हाफ टेबल स्पून। ये सारा कुछ इसमें जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से सारा कुछ। ये है कॉर्नफ्लोर, ये जाएगा इसमें दो टेबल स्पून भर के, ये डालेंगे इसमें। जी व्यूअर्स, ये मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी, पुदीना धनिया और सब्ज़ मिर्च, ये मैं इसमें डालूंगी पुदीने की चटनी एक टेबलस्पून। इसका बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। ये देखें व्यूअर्स, ये अमेज़ा तैयार हो गया हमारा। अब हम इसके कबाब बनाएंगे, चपली कबाब। प्याज लगाया था ऊपर और उसके ऊपर हमने टमाटर लगाए हैं। ये देखें कितने अच्छे कबाब, देखें हमारे कबाब कितने अच्छे
बन के रेडी हो गए हैं। अब हम आपको रिशोट करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे चपली कबाब कितने अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। मैं आपको एक दौड़ के दिखाती हूँ इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।